हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है 400 रेश पावर एक्स दिस इज इक्वल्स टू 25 रेश पावर वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू 10। आपको 1 अपॉन मैक्स प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वाले क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, 400 रेश पावर एक्स ये 10 के बराबर हो जाएगा, तो 400 रेश पावर एक्स दिस इज इक्वल्स टू 10। स्टूडेंट्स, मैंने इस तरफ भी पावर 1 बाई एक्स लिया और इस तरफ भी पावर 1 बाई एक्स लिया, तो बेस एंड एक्सपोनेंट का रूल है ए रेश पावर एम ब्रैकेट पावर एन दिस इज इक्वल्स टू ए रेश पावर एम इन टू एन। तो इस रूल का यूज हम जब यहां पर करेंगे स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा बिकॉज एम एन से मल्टीप्लाई होगा, तो जब एक्स 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 400 दिस इज इक्वल्स टू 10 रेश पावर 1 अपॉन में एक्स। स्टूडेंट, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। 25 रेश पावर वाई स्टूडेंट्स, ये भी 10 के बराबर है, तो हमारे पास आएगा 25 रेश पावर वाई दिस इज इक्वल्स टू 10। स्टूडेंट्स, अब मैंने दोनों तरफ पावर 1 बाई वाई लिया, इधर भी पावर 1 बाई वाई और इधर भी पावर 1 बाई वाई। तो स्टूडेंट्स, जब यहां पर दोबारा से मैं ये वाला रूल यूज करूंगा तो पावर की पावर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वाई स्टूडेंट्स 1 बाई वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 25 दिस इज इक्वल्स टू 10 रेश पावर 1 अपॉन में वाई। स्टूडेंट्स, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड बोला। स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 400 इंटू 25 आएगा, 400 इंटू 25 एंड दिस इज इक्वल्स टू 10 रेश पावर x, सॉरी 10 रेश पावर 1 अपॉन में x इंटू 10 रेश पावर 1 अपॉन में y। तो स्टूडेंट्स, 25 को जब हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,000 एंड दिस इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स यहां पर बेस एंड एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे, तो ए रेश पावर एम इंटू ए रेश पावर एन दिस इज इक्वल्स टू ए रेश पावर एम प्लस एन, की बेस अलग अलग है स्टूडेंट्स और सॉरी बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी जब मल्टीप्लाई का साइन है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, बेस सेम है और ये पावर अलग अलग है, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे बिकॉज यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमारे पास आएगा 10 रेश पावर 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन में वाई। स्टूडेंट्स, मैं 10,000 को लिख सकता हूँ 10 रेश पावर 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 10 रेश पावर 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन में वाई। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इफ ए रेश पावर एम दिस इज इक्वल्स टू ए रेश पावर एन देन एम इज इक्वल्स टू एन। तो स्टूडेंट्स, जब हम इस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन में वाई। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 4। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।